कहाँ से है मैडम? मैम विकास नगर से आए, अस्पताल के पास। अच्छा, अगर मैम से काम कराने आए तो फिर मैं जाऊँ? वहाँ बैठी है, वहाँ बैठी है माता। मैं नहीं जाती हूँ फिर भाई, अगर मैम से काम कराने आते हो तो, क्योंकि भाई मैम को तो तनख्वाह देती हूँ, तभी बैठती होगी वो नीचे आके। मैम ही बनना होता उसे तो, बड़ी अच्छी नौकरी कर रही थी, क्यों मेरी सेवा में आई फिर? भाई इसकी बीबी है, घर चली जाती है। तू बता दे फिर मेरे से क्यों तुम्हें आई? नाम बोल बेटा के। गौरव। गौरव, पिताजी का नाम? धर्मपाल। गाँव पुराना? दिसंबर। बेटा जी घर में दूसरे भक्तों का सामान तो निकाल के नहीं आया, और कहीं से भी लाकर चलते? अगर आप YouTube को देखते हो तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि दूसरे भक्तों का सामान निकाल करके दरबार आए, वरना दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। केस में सिलने की बात हो रही है अब? वही कर रहे हैं हम छोटे से। बेटा जी जब चलाऊंगी इलाज, जब दूसरे भक्तों का सामान निकालूंगी। यह नंबर की चौकियां लगती है, अब पहले की तरह खुला दरबार है, वो सब सामान निकाल के सफाई करके फिर मेरे पास, ठीक है? चलो माता दी। बेटा जी जब तक कह रही होते चलो बेटा। क्या नाम? विजय। गांव पुराना? सजानपुर। बेटा आपको पितरों की सेवा मैंने बताई थी, की थी आपने? मैम ने आप माँ आपने ये बताया था कि बालाजी का सवा मणि का भोग तुम्हारे घर से बुला हुआ है, हम लोग गए थे लगा कर आए थे। ठीक है कविता जी, पितरों की सेवा बताओ इनको, और वो धरने के लिए समय देकर के बच्ची को बुलाओ। और माता जी हम लोग अब यहाँ से हमेशा के लिए अपने गांव जा रहे हैं, हमारे सास ससुर हैं वो कह रहे हैं यहीं पे आओ, यहीं काम करो, जॉब छोड़ो। शाहजहांपुर। ये कहाँ हो बेटा? शाहजहांपुर ऊपर पूरा यूपी। यूपी में? अच्छा, ऊपर का इलाका। बाबूजी इसमें से थोड़ी तो घर में डालने के लिए कर लेना, और थोड़ी में बाबूजी सेंधा नमक, दो छोटी लहसुन की कलियां, दो काली मिर्च, एक गांठ सी बना करके पैर में बांध लेना। मैंने जहां से जब सब अच्छा होगा हम लोग घर पे जाएंगे तो हमारा सब काम होगा, आप सब कर दिया मैंने, दो भाग कर लेना इसके, ठीक है? अगर चाहो तो हम 11 भी ले सकते हो घर में, इसी में और मिला लीजिए, ठीक है बेटा? बताओ भाई आगे आओ बाबू। कहाँ से बाबू? दिल्ली से। तेल लाए हैं? तेल पहले हम दे गए थे, जब ये जोत है तेल से पहले। नाम बताओ? नीतू। पूछा तो आई नहीं तुम्हारी अभी? पहली बार। मी तो किसी और भगत का इलाज चल रहा है, भगत तो आया है, बड़ी आया हुआ है, हमारे घर भी आया हुआ है, रिश्तेदार है कोई, मतलब वो बैठते हैं, भगत है ना? हाँ हाँ हाँ, पहले रिश्तेदार थे, और रिश्तेदार तो अभी भी पर वो उनका नाना है, पर उनका कोई आते है तो वो बैठे ही। इलाज चला हुआ है ना उसका तुम्हारे घर में? इलाज मतलब यही वो जो उन्होंने जो बता देते हो कर देते हो ना? हाँ बेटा, जब तक वो नहीं हटाओगे इलाज नहीं, वो मैंने बंद कर दिया था घर में, तो सामान अच्छा सामान उनने जो दिया है वो अंदर तिजोरी में रखा, वो हटा दो बिल्कुल आ जाएगा, तब मैं करूंगी। बाबूजी दो शक्तियां आपस में टकराएंगी, दिक्कत आप लोगों को तो फिर वो हटा के कब आऊं मैं? खुला है दरबार, कभी भी आ जाओ। वो मंगल शुक्र करी तो उन्होंने उपाय बताया, वो सब हटा दे बिल्कुल। कहाँ से आया बेटा? फिलहाल तो मैं अभी दिल्ली से हूं, पीछे से मैं पंजाब। ठीक है जी, नाम बताइए। विकास। आपके पिताजी का नाम? लेट श्री अक्षय मार। और गांव का नाम? पठान। हम लोग भी जरा क्यों है यार, लगाया होगा तुमने? बोल, इतने लोगों में किसी को नहीं बोला था? तुम बोला तुमने बोला था मैं गुरुगाम नहीं करूँगी, मुझे काम बताया था, था ना किसी ने? आया है यार, मैंने किया है। हाँ पर आया है मेरे सामने ये सबसे काम था, मैंने किया नहीं, लेकिन ये नंबर तो लगे हुए हैं। एक दो बार गया था, बोल सच्चे दरबार की झूठ का कोई काम नहीं है यहाँ, मैंने देखा कि ये काम सही नहीं हमारे लिए, झूठ का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे।
दोबारा बोल रहा हूँ मैं, विकास महाजन फादर नेम श्री प्लेट श्री अक्षय महाजन डिस्ट्रिक्ट का। किलवा रखा है तुमने घर अपना, किलवाया हुआ है घर अपना, जैसे कीले ढोक देते हैं चारों दोनों में से, किलवाया हुआ है किसी भगत से घर नहीं बाबू, ये तो क्या किला हुआ है। हाँ लेकिन तुम्हारे जो अपना घर है वो दस साल पहले खरीदा था, कीले किससे लेके ठोकी थी चारों कोनों में, 13 से 14 साल हो गए तेरे को परेशान होते हुए, कितने समय से कितने समय से बाकी मेरा जो घर है वो वही रह रहे हैं। बाबू नीम की माला शनिवार को 3 अंग्यारी माई की जोत पैरों का 1.25 मीटर कपड़ा, 2 बूंदी के लड्डू, 2 पान, 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, ये दरबार में चढ़ा के जाएगा हर शनिवार को, इसमें नीम की माला और ये बाकी का प्रसाद होगा, ठीक है बेटे। चल बेटा करती हूँ तेरा काम, चौगान वाले के भी बेटा जी ये जो सामान यहाँ लेकर के आएगा ये शनिवार को चौगान वाले पे जाएगा, सारा काम कर दूंगा। चल बेटा गया, क्या आएगा, हाँ ये नीम की माला प्रसाद के साथ लेके आनी है, और जो प्रसाद नीचे बोला है वो चौगान वाले पे भी जाएगा। हाँ अभी गोरखनाथ का कपड़ा रखो, बाद में बाबा का प्रसाद रखो, हाँ वो इसका नहीं है। कितना है मेरा? मैं रहने वाला यहाँ पे, जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में, और कायम रहने वाला हूँ, जॉब कर रहे हैं मैं, परिवार के साथ रहते हो, कैसे रहते हो? भाई के साथ रहता हूँ, परिवार मेरा पक्का बात, मतलब तेल यहाँ से आया जहाँ तुम और तुम्हारे भाई, सभी भाई है ना, ठीक है ना, बताओ लड़ाई झगड़ा क्यों है इतना घर में? आप पूजा करते हैं, कंपन होती है, शरीर घूमता है, सर घूमता है, हाँ ये बालाजी की शक्ति चल रही है साथ में, लेकिन किंतु तेरे से गलती ये हो गई है बेटा जी, की बालाजी की फोटो लगी हुई है, छोटी सी फोटो थी और सामने दारू का गिलास रखा हुआ है, ये जब से बेटा जी उसके बाद तो शरीर में दर्द रहना शुरू हो गया, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, कंधों में, पहले लोगों के साथ रहते तो वहाँ पे तो वो लोग मानते नहीं होंगे इन सब चीजों को, दारू का गिलास रखा हुआ है बेटा सामने, मेरी चलती नहीं वहाँ पे, तो मैं भाई के पास रहने लगे, अब अलग जॉब कर रहे हैं वहाँ से, तो लोग मजाक उड़ाते, दारू का गिलास आया मेरी, नाम बोल बेटा अंकित, बाबू तेरे बच्चा पैदा होगा तो जिम्मेदारी तेरी होगी कि दोस्तों की होगी, तो जब तू पूजा पाठ करता था तो जिम्मेदारी समझता कि तेरी होगी कि दोस्तों की होगी, फिर किसकी गलती हुई, उनका उनको मिला होगा, गेहूं के साथ धूल भी पिसता है बाबू, नाम बता, पिताजी का नाम राजन, गांव पुराना, कायमगंज, हाँ बेटा जी भगवती भी साथ चल रही है और साथ में चल रहा है लाखों भी, और मेरी मम्मी है जो उनके पैरों में होते हैं, इलाज होते वाली है, ठीक नहीं, ठीक है, और हाथ ऐसे गठिया तो नहीं है, नहीं नहीं बहुत इलाज करा लिया, वो नहीं हो रही थी, अभी माई की जोत का घी लेके गए थे, लगवाए थे लेकिन आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ, लगाया ही नहीं है, एक या दो बार लगा करके आराम नहीं होता है, जो चीज बताई जाए लगातार लगा कम से कम 1.25 महीना करना होता है, जितना दिए तो और मिलाना होता है उसमें, इतना दिए कि मैं 1 किलो मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे घर थोड़ी तुम डेयरी खोल के गए हो, ऐसे बताया नहीं, इतना बता दे रहे सब चीज, तुम लोग सुनते नहीं हो, बेटा थोड़ा बचा रहा था फिर आगे लेके उसी बढ़ा देना था, बताते हैं तुम लोग सुनते नहीं हो, मकान का मकान और जो जगह बिकनी रही मेरी, तेल की जोत चलवाओ भाई, 3 लगाओ हाजरी, तेल दे देना इसकी माई के लिए, नीम के पत्ते पका लेगी, 100 महीने लगातार करना बेटा सुबह शाम मालिश, जब होगा आराम, चलो बेटा आगे आओ, भद्रकाली जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास में भद्रकाली माँ का मंदिर, वहाँ दे दूंगा जी, आज बेटा एक ब्लाइंड परेशान, हाँ बुलाओ बुलाओ, किसी को टैक्स
शादी में दिक्कत हो रही है? शादी में माँ यही बच्ची है जो किसी का बच्चा छूटा हुआ 6 साल का, कोर्ट केस चल रहा माँ। आपसे इलाज करवाएगा कुछ छत्र भी देगी? हाँ माँ। फिर क्या रहा? मैं बहुत बढ़ती हूँ इस बच्ची के लिए। नंबर नहीं आया? अब तो सब जगह से मना किया। बस कहीं कोई नहीं कहता बच्चा मिले, बस इसका बच्चा मिल जाए। छोटा नहीं का बच्चे की? 6 साल का बच्चा है माँ। जिनको फोटो दिखानी है फोटो बोलो, फोटो क्या रखेंगे पहले? बहुत उमली माँ मैं इस बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए मैं घूम रही। 60 साल की सर्विस हो गई समझ लो कि दाल रोटी चल रही है माँ। नाम क्या बेटा इस बच्चे का? सुनील। तेरा नाम? सुनील। और घर वाले का नाम? भद्रा। 5 किलो हलवा चने की कढ़ाई दे देगी सोलह सिंगार के साथ? क्या कर दिया तेरा? दरबार की आखिरी डेट है की का बच्चा मिल जाए माँ इसको, ठीक है? और माँ कुछ देखो, 5 किलो की कढ़ाई चाहिए बेटा जी सोलह सिंगार के साथ, ठीक है माँ? बाकी तो कुछ तुझे भक्तों मुझे सामान रखा हुआ हटा देना, नहीं तो मेरी गारंटी थी, ठीक है? चलो बेटा गया। बात कुछ क्या आगे कुछ इनका कोई देखो कर मैं मतलब पहले ये काम कर दूं फिर दूसरा काम करूं, ठीक है ना? चलो तुझे तो कहा बहुत भटकी हूँ, एक काम एक जगह रखा करो तो हो जाएगा, सामान दूसरा निकाल देना मेरी, ठीक है?